हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यामाहा एसएक्स 900 एंड 700 में पैक्स इंस्टॉलेशंस कैसे करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको यहां पे पहले गूगल क्रोम में जाना है और यहां पे आप यामाहा एसएक्स 900 एक्सपांशन पैक्स, अगर हम ये टाइप करते हैं तो यहां पे PSR SX 900 के वॉइस एंड स्टाइल एक्सपांशंस की लिंक आ जाएगी। उसमें जाके आपको वॉइस एंड स्टाइल एक्सपांशंस में जाना है। यहाँ पे आपको ढेर सारे पैक्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको वॉइस एंड स्टाइल एक्सपांशन में जाना है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये बहुत सारे स्टाइल पैक्स अलग अलग कंट्रीज के आ जाएंगे। तो उसमें आपको यहाँ पे योर मॉडल नंबर, आपको यहाँ पे मॉडल चूज करना है कि आपको किस मॉडल के लिए आपको पैक्स चाहिए। तो अभी मेरे पास SX 900 है तो मैं 900 उसको चूज करता हूँ। अगर आपके पास 700 है तो आप 700 चूज कीजिए, SX 600 है तो 600 चूज कीजिए। जो भी आपके पास मॉडल है उसका आप सीरियल नंबर, मॉडल नंबर चूज कीजिए। मैंने SX 900 किया है। और जेनर आपको क्या चाहिए, मतलब कौन से वॉइसेस आपको चाहिए, यूरोपियन है, एशियंस है, इंडियन है, लैटिन अमेरिकन, मिडल ईस्ट एंड अदर्स। तो मैं इंडियन चूज़ करता हूँ। अभी ये मुझे इंडियन का पैक्स मेरे सामने आ गए हैं, इंडियन टू, इंडियन डिवोशनल पैक एंड इंडियन एंटरटेनर। ये तीनों भी पैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। फिर भी आप बैकअप के लिए तीनों भी पैक्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले डिवोशनल के ऊपर जाता हूँ, यानी कि इंडियन डिवोशनल को मैं क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास ये उसका हर एक मॉडल का अलग अलग उन्होंने डाउनलोड दिया हुआ है, क्योंकि क्या होता है हर एक मॉडल के हिसाब से उसके पैरामीटर्स और जो ड्राइवर्स है वो चेंज हो जाते हैं। तो आप किसी भी ड्राइवर आप किसी भी मॉडल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिकली आपको वो लिंक्स दिए हुए हैं, तो आपके मॉडल के हिसाब से ही आपको लिंक्स डाउनलोड करने हैं। यहाँ पे आपको वॉइसेस और स्टाइल की लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से स्टाइल्स और ये मौजूद है, आप वो बाद में देख सकते हैं। अभी मेरे पास 900 है तो मैं 900 का लिंक ओपन करके उसको डाउनलोड कर देता हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल तो वो कर दिया है, फिर भी आपके लिए मैं एक बार डाउनलोड कर देता हूँ। जब आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने तीनों पैक्स डाउनलोड किए हुए हैं। पहला तो मैं डिवोशनल पैक को कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करके आप उसको कॉपी कर सकते हैं, और आपका जो पेन ड्राइव है उसमें आपको जाकर ये फाइल पेस्ट करना है। ये जिप रार फाइल है तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कॉपी हो चुका है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट किया हुआ CPF फाइल आपको यहीं पे रखना है। एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, ये RAR वर्जन को मैं डिलीट कर देता हूँ और उसका CPF फाइल मैंने वैसे ही पेन ड्राइव में ओपन बाहर ही रखा है। आपको इसको किसी पे भी फोल्डर में डालना नहीं है। विंडो क्लोज कर देता हूँ और पेन ड्राइव इजेक्ट कर देता हूँ। अभी हमें एक्सपांशन पैक यामाहा में इंस्टॉल करने के लिए पहले हमें इस एक्सपांशंस को एक्सपोर्ट करना होगा। तो देखते हैं कैसे करना है। ये हमारा कीबोर्ड स्टार्ट हो गया। पहले जाएंगे मेन्यू में, उसमें मेन्यू टू, वहाँ पे एक्सपांशन, और यहाँ पे एक्सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट इन्फो लिखा हुआ है। तो आपको ये एक्सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट इन्फो आपके पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने ऑलरेडी फिलहाल किया है, आप इस पर बस इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा, आपको ओके करना है और उसके बाद आपके पेन ड्राइव में ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये होने के बाद आपको वो कंप्लीटेड का मैसेज देगा, ओके करने के बाद आपको एग्जिट करना है। मैंने ऑलरेडी इसमें किया हुआ है इसलिए मैंने दोबारा नहीं कर रहा हूँ, आपको खाली प्रोसेस दिखा है। तो आइए अभी हम यामा एक्सपांशन मैनेजर को ऑपरेट कैसे करते वो देखते हैं। अभी मैं यामा के साइट के ऊपर हूँ। यामा के साइट में यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो मुझे ये डाउनलोड सेक्शन में आना है। यहाँ से आप एक्सपांशन मैनेजर, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ से आप वॉइसेस और स्टाइल एक्सपांशंस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड में आना है मुझे, और यहाँ पे आपको सब डाउनलोड दिए हुए हैं, यानी कि आपको उसका फर्मवेयर अपडेट भी मिलेगा सीरीज़ के,
और यहाँ पे हम यामाहा एक्सपेंशन मैनेजर 2.8.1 फॉर विंडोज़ 10 और 8.1 के लिए डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास मैक है, एप्पल है, तो आप मैक ओएस भी डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो है तो आपको विंडो का करना पड़ेगा। मेरे पास ये विंडो 10 है तो मैं विंडो 10 का एक्सपेंशन मैनेजर डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे उसका वर्जन भी आ गया है कौन सा है, डबल क्लिक टू सेटअप exe। ओके, तो यहाँ हम नीचे आते हैं और यहाँ पे यस, उसका एग्रीमेंट लाइसेंस हमें एग्री करना पड़ेगा, तो हम उसको टिक करते हैं और उसके फाइल्स को डाउनलोड पे लगाते हैं। तो हमारा ये फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हुआ है, मतलब हो जाएगा, और अभी ये ओपन हो चुका है। तो इसको हम कॉपी करते हैं और हम पेन ड्राइव में डाल देते हैं। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी हो गया, इसको मिनिमाइज करके पहले तो मैं एक बैकअप के लिए मेरे लैपटॉप में रख देता हूं। बेस्ट एक्सपेंशन मैनेजर, और मुझे सेटअप पे क्लिक करना है। डबल क्लिक करके मैंने ओके कर दिया है। मैं ये पूरा वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चले। नेक्स्ट करते हैं इंस्टॉल। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल को चालू हो गया है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पता चले कि कैसे करना है। बहुत सारे लोग ज़्यादा टेक्नो सेवी नहीं होते, फिर भी आपको ये करना ही पड़ेगा, देर इज़ नो ऑप्शन। सो आप भी सीख सकते हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए और ये सब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। और ऐसे ही इस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले भी वीडियोज़ मिलते रहें। और ये इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको फिनिश करता हूँ और एक्सपेंशन मैनेजर यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो ये एक्सपेंशन मैनेजर शुरू हुआ है। अभी यहाँ पे इसका विंडो में थोड़ा बड़ा करवा देता हूँ। इंस्टॉल टारगेट, तो यहाँ पे एक प्लस का साइन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो इम्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट इन्फो, जो हमने इंस्ट्रूमेंट इन्फो एक्सपोर्ट किया था हमारे कीबोर्ड से, तो वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। तो मैं इसको इंस्ट्रूमेंट इन्फो पे क्लिक करता हूँ और मैंने जहाँ पेन ड्राइव में रखा है वहाँ पे चलते हैं। यस, तो यहाँ पे आ गया है मेरा इंस्ट्रूमेंट इन्फो, PSR SX 900 इंस्ट्रूमेंट इन्फो .N27। तो ओपन करते हैं, इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा SX 900 दिखना शुरू हुआ है। अभी यहाँ पे इंपोर्ट पैक करते हैं, जो हमने पैक्स इंपोर्ट किए, इंस्टॉल किए हुए हैं, डाउनलोड किए हुए हैं यामा के साइट से, तो हमें इसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट को बटन दबाते हैं। अभी मैं जाऊंगा सॉफ्टवेयर्स में, मेरे बैकअप में, यहाँ पे मेरा इंडियन डिवोशनल CPF करके फाइल दिख रहा है, CPF। तो इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। एक 2-3 मिनट लेगा शायद, मुझे लगता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे पैक्स आ चुके हैं, इंपोर्ट हो चुका है हमारा पैक। यहाँ पे नीचे हमें सब दिखाई दे रहा है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से स्टाइल्स हैं उसके साथ। तो हमें ये सब चाहिए तो हम सब सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम ओके यस, मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना है, मतलब हमने जो इन्फो एक्सपोर्ट इन्फो किया था उसके बाद हमें हमारा कीबोर्ड दिखाई दे रहा है SX9। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है और ये सब नीचे वाले साउंड्स और रजिस्ट्रेशन और स्टाइल्स जो है इंडियन स्टाइल्स, वो सब ग्रीन टिक हुए हैं। अगर मुझे यहाँ पे समझो कोई अनसिलेक्ट करना है तो मैं उसको अनटिक करता हूँ ताकि ये, मतलब ये साउंड्स हमारे इसमें नहीं आएंगे। लेकिन मुझे सब चाहिए इसलिए मैं सबको टिक करवा देता हूँ। अगर आपको जो चाहिए नहीं चाहिए तो आप उसको अनटिक कर सकते हैं। तो अभी ये तो सिलेक्ट हो चुका है सब, अभी हमें इसको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ ये सिलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर टॉप में सेव एज पैक इंस्टॉलर हमें बटन है, तो हम इसको क्लिक करेंगे और ये एक नया विंडो खुलेगा। तो हमें फाइल सेव करना है, तो हम जाएंगे हमारे पेन ड्राइव में
और बाहर ही ये फाइल सेव करेंगे। अभी यहाँ पे हम रीनेम भी कर सकते हैं, मैंने इसको इंडियन करके नाम देता हूँ। और यहाँ पे जो फाइल फॉर्मेट है, यहाँ पे दो फाइल फॉर्मेट्स है, तो हमें CPI फाइल फॉर्मेट करना है क्योंकि वो रीड होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट में। तो ये आएगा आपको एक वार्निंग, इफ़ यू सिलेक्ट फुल इंस्टॉलेशन द इंस्टॉलेशन टाइम विल बी लॉन्गर, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डू, येस थोड़ा टाइम लेगा ये बता रहा है। कंप्लीट इंस्टॉलेशन मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ देर इज़ नो इनफ स्पेस अवेलेबल इन द इंस्ट्रूमेंट्स यूजर ड्राइव। अगर आपके पेन ड्राइव में सफिशियंट जगह नहीं है तो वो इंस्टॉल नहीं होगा, मतलब वो सेव नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि आपके पेन ड्राइव में सफिशियंट स्पेस हो। अगर अननेसेसरी डेटा है तो आप डिलीट करें। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप सेपरेट ही पेन ड्राइव, एक हार्ड ड्राइव रखें आपके कीबोर्ड के लिए, ताकि उसमें दूसरे और कौन से भी फाइल ना हो और वायरस का इशू भी ना हो, ताकि आपका इंस्ट्रूमेंट का सॉफ्टवेयर हार्म। तो हम इसको ओके करते हैं। अभी शायद ये थोड़ा टाइम लेगा। कंप्लीट होने के बाद और एक वार्निंग आ रहा है, द पैक इंस्टॉलेशन फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड, ओके फॉर्मेटिंग ऑन द इंस्टॉलेशन पैक डेटा ऑन द इंस्ट्रूमेंट कैन टेक 20 मिनट्स, प्लीज़ वेट। अभी ये हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, हम पेन ड्राइव रिमूव करके हमारे कीबोर्ड को लगाते हैं। अभी हम पेन ड्राइव लगाते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट को। ध्यान रहे आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ रहना चाहिए, पेन ड्राइव लगाने के बाद ही आपको उसे ऑन करना है। ये हमारा होम स्क्रीन आ चुका है। अभी हम मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू टू में जाएंगे, यहाँ पे एक्सपांशन है तो एक्सपांशन में अभी हमें पैक इंस्टॉलेशन करना है तो पैक इंस्टॉलेशन में जाएंगे। अभी यहाँ पे हमारा इंडियन वाला फाइल दिख रहा है तो हम इसको क्लिक करेंगे और उसको ओके करना है। सेव ऑल द डेटा करंटली बीइंग एडिटेड बिफोर स्टार्टिंग, ओके। ऑल एक्सपेंशन कंटेंट्स विल बी डिलीटेड, द इंस्ट्रूमेंट विल बी रिस्टार्टेड व्हेन इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड, ओके। मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये मशीन रिस्टार्ट हो जाएगा, तो हम इसको ओके करते हैं। अभी वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेता है, तो मैं इसको वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ। इंस्टॉल हैज़ बीन कंप्लीटेड, द इंस्ट्रूमेंट विल बी रिस्टार्टेड, ओके। तो अभी हमारा ये इंस्ट्रूमेंट रिस्टार्ट हो जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट शुरू हो गया है। और देखते हम एक्सपांशन में क्या है, मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू टू, हमें यूजर में जाना होगा क्योंकि हमारा एक्सपेंशन अभी यूजर में आ चुका है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि आपको पता चल क्या कर रहा है। तो अभी यहां पे एक्सपेंशन यूजर है, तो एक्सपेंशन यूजर में वॉइसेस में जाऊंगा और यहां पे मुझे इंडियन करके फाइल दिख रहा है। तो अभी यहां पे सब मेरे साउंड्स इंस्टॉल हो चुके हैं, मुझे लिस्ट दिखाई दे रहा है। देखते एक बार बजा के कि कैसे वो साउंड कर रहा है। सितार, सरोद, वायलिन, पाइप्स, यहाँ पे बहुत सारे पेजेस में साउंड्स आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 5 पेजेस है उसमें साउंड्स भी। संतूर भी शायद से अच्छा साउंड है यहाँ पे। स्टूडियो संतूर, ये बहुत ही अच्छे साउंड्स है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी हम इसको मॉडिफाई और भी कर सकते हैं, तो टोन एडिटर में जाके उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि साउंड्स को कैसे मॉडिफाई किया जाता है और इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को और कैसे एनहांस करते हैं। तो फिलहाल ये था दोस्तों, एक्सपांशंस पैक को डाउनलोड कैसे करें और इंस्टॉल कैसे करें अपने कीबोर्ड में। ये पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि हिंदी में बहुत सारे मतलब वीडियोस बहुत ही कम है, मतलब मुझे तो दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने ये पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो किया है।
तो आप भी 700 यूज़र्स जो भी है, 700 यूज़ कर रहे हैं, 600 यूज़ करिए, उनके लिए भी सेम ही प्रोसेस है। खाली कीबोर्ड के हिसाब से थोड़े थोड़े इंस्ट्रक्शंस चेंज होते रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम 90% प्रोसेस सेम ही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियोज़ आपके यहाँ मिलते रहें।